कभी रात को ट्रेन में पहले कभी सफर किया है? उसका अनुभव क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और खुश हैं। कल हम लोगों ने याद है एक ट्रेन की अपकमिंग ट्रेन की वीडियो देखी थी, RRTS, जिसका नाम रैपिड एक्स भी शायद होने वाला है। तो वंदे भारत जो है ट्रेन, उससे भी कहते हैं फास्ट ट्रेन होने वाली है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आप उसको देख लीजिएगा। इस ट्रेन के हवाले से एक वीडियो आज आई है, नमो भारत। अब ये RRTS ट्रेन ही है जो कि जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। तो लिखा हुआ है, नमो भारत रिप्रेजेंट्स इंडियाज फ्यूचरिस्टिक एंड रिजिलियंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम मोदी। सो इसमें क्या होने वाला है? आई थिंक पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया होगा। और सुनने में पहले तो यही चीज़ थी कि इसका नाम या तो रैपिड एक्स होगा या कुछ और होगा, लेकिन इसका नाम नमो भारत रख दिया गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो यही लग रहा है कि नमो भारत इसका नाम रख दिया गया है। नमो भारत, हाँ नमो भारत। सो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारे पास पूरी वीडियो है, और देखने के बाद हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन। स्टे विद अस। इनॉग्रेशन, श्री नरेंद्र मोदी। नमो भारत के, भारत की झलक है ये नमो भारत ट्रेन। नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। कितनी खूबसूरत है। अच्छा खुद देखो, वो मौजूद हैं वहां पर और अच्छा अंदर सफर भी कर रहे हैं। रैपिड राइड टू मीरठ। स्कूल के बच्चे थे। आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, शाम को घर लौटेंगे, क्या अनुभव आया आप? हमारी लिए बहुत प्राउड है कि इंडिया के पहले रैपिड रेल प्रोजेक्ट का बंद कर रहे हैं, हम इसको ऑपरेशनली बंद कर रहे हैं, स्टेशन पर दोनों से चल गया, तो बहुत प्राउड। तो ट्रेनिंग कितना समय चली आपकी? 9 महीने। देखो कितना समय मोबाइल पर बर्बाद कर। अगर ये टाइम बचता है तो उस टाइम का एक प्रकार से वैल्यू एडिशन के लिए उपयोग हो, फायदा हो, ऐसा करेंगे? हर चीज में यस कर रहे हो, यही टीचर ने सिखाया है। आप लोग कभी रात को ट्रेन में पहले कभी सफर किया है? उसका अनुभव क्या है? अच्छा लगता है ना ट्रेन में, जितना बॉन्डिंग होता है, फ्रेंडशिप होता है, तो ट्रेन एक हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। पहला हमारा अमृत भारत है, बहुत बड़ा है, स्टेशन बढ़ना है, फिर वंदे भारत का कार्यक्रम, वंदे भारत एक स्टेप आगे, नमो भारत। आप लोग अच्छा लग रहा है, बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनॉग्रेशन तो उन्होंने किया ही, सफर भी किया और साथ से बहुत अच्छी तरीके से सबसे बात भी कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे मौजूद थे, उनसे इंटरेक्शन किए, वो बच्चा तारीफ कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए रैपिड ट्रेन लगा, वो कहते हैं कि हर बात पे यस यस कर रहे, टीचर ने सिखाया। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ की जो लेडीज थी स्टाफ, उनसे इंटरेक्शन किया कि कब ट्रेनिंग कितनी चली, हाँ। और ये बात बहुत अच्छी है, मतलब छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं जो लोगों को ये फील स्पेशल फील करवाते हैं, और उन्होंने स्पेशल फील करवाया और लोगों से पूछा मोबाइल पे कितना टाइम बर्बाद करते हो। मैं सोचा था कि मेरा भी काफ़ी टाइम, आजकल की सारी जनरेशन मोबाइल पे बहुत पे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे अगर कहूँ कि इसकी जगह आप इस टाइम को यहाँ लगा लें। और वाकई में एक बात अच्छी कि बॉन्डिंग होती है ट्रेन के अंदर, जब आप जाओ आपको अच्छे लोग मिलते हैं। एक टाइम पे मुझे याद है हम लोग भी बहुत सफर करते थे ट्रेन पे, तो बहुत सारी दोस्तियां हो जाती हैं, तो ये मजा आता है, फैमिली के काफी लोग जाते हैं ट्रेन में और बहुत मजा आता है। तो और जल्दी की जल्दी आप पहुंच जाते हैं। अब तो आप लोगों के पास एक नई ट्रेन आ गई, जो अगर आपका 6 घंटे का सफर था शायद वो कम हो जाएगा उसकी स्पीड तेज। तो ये गाजियाबाद टू मीरठ जा रही थी ये जो ट्रेन है, और नाम इसका है नमो भारत नाम है। सो अच्छा लगा यार। और अभी सुनने में कल हमने जो वीडियो देखी जिसमें आया था कि 15 ट्रेन टेस्टिंग के लिए है, क्लियरेंस हो गई हुई है, और अभी और मजे की बात है कि जैसे वंदे भारत को ना आप ट्रैक चेंज करने से पहले उसको कम करना पड़ता है स्पीड, उसके लिए ट्रैक्स डिफरेंट,
कर सकते हो। वंदे भारत जो है उसके लिए कह रहे थे ट्रैक्स चेंज करेंगे तो 160 पे चलेगी, ये डायरेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट ही 160 पे। अभी तो एक वो भी आ रही है वो जो नीचे से जाएगी ना, अंडरग्राउंड मेट्रो, जो दुबई इंडिया टू, दुबई दुबई टू इंडिया होगी। तो मतलब हर क्या क्या चीज हो रही है, मैं क्या डेवलपमेंट उसकी, इसलिए ज्यादा एक है एक्साइटमेंट है कि उसमें ऐसा क्या होने वाला है, मतलब समंदर नजर आएगा या टनल होगा, क्या चक्कर है, टनल ही होगा मेरे ख्याल से। लेकिन कितना आप लोगों को पता है हम समंदर के अंदर चल रहे हैं, वो भी बहुत एक्साइटिंग, वो हमने पूरी वीडियो देखी थी 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लाओ, तो हम लाते रहते हैं। वो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, तो क्या आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर सामने। सो दैट्स इट यार, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।